सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज यानी 24 फरवरी को वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के चुनाव होने हैं और वार्ड नंबर 9 में स्थित स्कूल में इन चुनावों को लेकर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव कमीशन की हिदायतों के अनुसार ये चुनाव सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया गया है, मगर अचानक मौसम के बदले मिजाज को देखकर एक बार तो लगता था कि इन चुनावों पर तेज बारिश अपना पूरा प्रभाव डालेगी, मगर जब News89 की टीम ने मतदान केंद्र का दौरा सुबह लगभग 7 बजे के करीब किया तो यहाँ ना तो उम्मीदवारों के हौसले में कोई कमी दिखी, ना ही वोट डालने आए लोगों में। और पुलिस और सिविल प्रशासन की तो हम क्या बात करें, वो तो सुबह से ही अपनी अपनी ड्यूटियों पर तैनात हुए नजर आए। जैसे ही 8 बजे उसी समय मतदान केंद्रों पर वोटरों की लाइनें लगनी शुरू हो गई, मगर यहाँ देखने वाली बात यह थी कि जिन बच्चों ने आज अपनी जिंदगी का पहला मतदान किया उनमें तो उत्साह देखते ही बनता था। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि पहली बार अपने अधिकार का उपयोग करने आए विद्यार्थियों ने क्या कहा। मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज जो सरकार ने हमें एक अधिकार दिया है एक अच्छा कैंडिडेट चूज करने का, उस पे मैं खरी उतरी हूँ और मैंने एक अच्छे कैंडिडेट को वोट डाली है जो हमारे राजपुरा के विकास के लिए। मैं यूथ को बस यही संदेश देना चाहूंगी कि एक सोच समझ के एक अच्छे कैंडिडेट को चूज करें हमेशा, ताकि किसी का ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सके। आई एम किरण एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज फर्स्ट वोट इन माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज माई राइट। इन्होंने हमें अपना हक दिया अपना उम्मीदवार चुनने का, जिससे हम तय कर सकें कि हाँ हमारा कौन साथ दे सकता है, कौन हमारा अच्छा काम कर सकता है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। यूथ को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि मतलब जो हमारा उम्मीदवार है वो मतलब अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को वोट जाएं, जो हमारे काम आ सके, जो हमारे वार्ड को सुधार सके, जो हमें हर तरफ से हमारी हेल्प करें। पहली वोट सी आज पहली बार एक्सपीरियंस करी है, अपने पिताजी ने करी है, बहुत खुश हूँ वोट पाके। ठीक है जी, यूथ नु की संदेश देना चाहोगे? यूथ नु संदेश देना चाहूंगा भी सारे वोट करो, जरूर करो, ते जेड़ा कैंडिडेट वधिया सिर्फ उन्हें ही करो। अब आपको दिखाते हैं कि सुबह ही मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे तीनों ही पार्टी के उम्मीदवार, जिनमें कांग्रेस पार्टी से श्री नरेंद्र शास्त्री, भाजपा से श्री नरेंद्र नागपाल व आम आदमी पार्टी से श्री रजेश सिंघानिया ने मौसम के बदले मिजाज के बारे में व वोटरों से क्या अपील की, आइए आपको सुनाते हैं। शास्त्री जी, वार्ड नंबर 9 चुनाव हो रहा है ते तुसी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो, ते काफी दिनों तो तुसी कड़ी मेहनत कर रहे हो, आज बारिश दे नाल कोई वोटरां दे फर्क पेगा, वोट नूं फर्क पेगा? शास्त्री जी सारा दौरा कर लिया, जेड़े बूथ बने और की कहना चाहोगे? सारे प्रबंध अच्छे ने जी, प्रशासन वालों बहुत वधिया प्रबंध कीते। वोटरां नूं की अपील करना चाहोगे बारिश दा मौसम है? वोटरां नूं इह कि अपनी कीमती वोट जिहड़ी हैगी आ उहदा इस्तेमाल जरूर करो, ते साधन सारे असीं प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक है, सानूं बजुर्ग है कोई सानूं लैण दा वी सानूं प्रबंध हैगा, ते वैसे तां सारे लोग अपने अपने वहीकलां ते आ के जिहड़ा वोट पाउणा सी हर वारी इस तरह ही होंदा। नागपाल जी, वार्ड नंबर 9 च अज चुनाव होणा है, कई दिनां तों जिहड़ी हैगी इहदे वास्ते चुनाव प्रचार चल रहा सीगा, अजे अचानक बारिश हो गई है, हुण 8 बजे शुरू होने वाला चुनाव प्रचार, की अपील करना चाहोगे वार्ड के निवासियों नूं? मैं वार्ड वासियों नूं बधाई देना चाहांगा, क्योंकि जिस दिन असी नॉमीनेशन फार्म भरे सीगे उस दिन भी इंद्र देवता खुश सीगे और अज वोटिंग हो रही है, अज भी इंद्र देवता खुश ने, और वार्ड वासियों नूं अपील करूंगा कि बहुत वधिया शगन है, तो वध चढ़ के आपां इन्ने दिनों तों लगे हुए हां, अपनी वोट का इस्तेमाल करना और ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕੁਛ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਸਹੀ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇਗਾ ਹਰਦਮ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਰਡ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ।
इस मौके पर जब न्यूज 89 की टीम ने मतदान केंद्र पर जाकर पुलिस व सिविल प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम के बारे में एडिशनल एसएचओ सरदार कवलपाल सिंह व प्रोजेक्टिंग अफसर से बात की तो उन्होंने इंतजाम को पुख्ता बताते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर जिले के थे, जिले के एक स्टेशन है, चार बुक्स हैं, जब कहते हैं सारी जिले फोर्स लगी हुई है, बहुत बहुत सारे गोल फोर्स है, मैं हैगा एसएचओ है, डी स्टाफ है, तो रिजर्व हैंगे सारे गोल जिहड़े हैगे, तो सारे असं नाके चार नाके लवाए हुए हैं, तो उस तो बाद अभी कड़े बंद साढ़े किए हुए हैं, दोनों ही पार्टियां बहुत ही सुलझी हुई हैं, तो दोनों पार्टियां दोनों ही प्रधान खड़े है, एक नरेंद्र शास्त्री एक नरेंद्र नागपाल जी है, दोनों ही सुलझे बंदे हैं, कोई है जी सू यह भी यह गलबात हो, फिर भी अभी जी है बहुत ही सात्मिक ढंग के वोटा पाने की पूरी पूरी कोशिश। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਰੇ? ਠੀਕ ਰਹੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ? 8 ਵਜੇ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਗੈਰਾ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, आपको बता दें कि सुबह से ही अमन अमान से शुरू हुए मतदान को देखकर लगता है कि इस वार्ड नंबर 9 में मतदान की गिनती इस बार बढ़ सकती है, मगर जैसे कि न्यूज 89 के सूत्रों ने देर रात ही बता दिया था कि कुछ शरारती लोग जानबूझकर इन चुनावों में विघ्न डालने के चक्कर में हैं ताकि इन चुनावों में किसी तरीके से विघ्न पड़ सके, मगर जैसे कि आपने सुना पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है और राजपुरा निवासियों को शाम 5 बजे का इंतजार है जब इस वार्ड को अपना पार्षद मिल जाएगा। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।